एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटे से लड़के का नाम राजू था। राजू बहुत ही निष्कलंक मनोबल वाला था और हमेशा खुश रहता था। उसका दोस्त गोपाल भी उसके साथ हर वक्त रहता था। एक दिन राजू ने गोपाल से कहा, चलो हम मिलकर वन में पेड़ों को पौधों से सजाने का काम करें। वे दोनों मिलकर काम में लग गए और जब वे काम पूरा करने में व्यस्त थे, तब उन्होंने देखा कि वन के किनारे एक छोटी सी पौधी आवाज देने की कोशिश कर रही थी। राजू ने उस पौधी की ओर देखा और कहा, यह कौन सा पौधा है? इसमें तो कोई फूल भी नहीं है। गोपाल ने हंसते हुए कहा, राजू यह हो सकता है कि यह पौधा अब तक बड़ा नहीं हुआ हो, लेकिन अगर हम इसे ध्यानपूर्वक पानी और सुंदरी देखभाल दें तो यह जल्दी ही बड़ा होकर एक खूबसूरत पेड़ बन सकता है। राजू ने समझ लिया कि गोपाल सही कह रहे हैं। उन्होंने उस पौधे को पानी दिया, सुरक्षित रखा और उसकी देखभाल की। समय बीतते बीतते वह पौधा बढ़ गया और एक खूबसूरत पेड़ बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर काम को धैर्य से और मेहनत से किया जाता है वह सफल होता है। छोटी सी पौधी ने भी अपने पूरे उत्तम स्वरूप को प्रकट करने के लिए समय और मेहनत दी। इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य की ओर प्रतिबद्ध रहकर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए।